रिकॉल द असेंबली रिजल्ट ऑफ 2023। किसका मैंने बोला है? रिकॉल द असेंबली रिजल्ट ऑफ 2023 ऑफ मध्य प्रदेश टिल डिस्पोज्ड ऑफ द 15,000 कंप्लेंट। मध्य प्रदेश के दोबारा चुनाव होने के और साथ में स्टे ऑर्डर होने के पूरे चांसेस है। जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसमें अच्छा निर्णय करेंगे, जब तक 15,000 एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाते तब तक कुछ भी नहीं करने के लिए CGI। मध्य प्रदेश में बड़ा ऐलान, रद्द हो सकते हैं शपथ पत्र। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील औरंगजेब ने बताया है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से दाखिल जाहिर कर दी है और उसको लेकर यहां पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने वाले हैं। उसको लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव फिर से कराया जाए। बता दें कि पांचों राज्यों में से सिर्फ तेलंगाना ही ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस जीत दर्ज की हुई है, नहीं तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसी जगह हैं जहां कांग्रेस सरकार नहीं बीजेपी अपना सरकार बना ली है। बताया जा रहा है कि सभी कुछ यहां पे EVM के धांधली से कराया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस बड़ा बड़ा सवाल यहां पे उठा रही है और इसको लेकर कई सुप्रीम कोर्ट के वकील पहुंच चुके हैं और यहां पे कई नोटिस भी जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट को, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात की जा रही है कि फिर से चुनाव कराया जाए। अब मध्य प्रदेश राजस्थान में फिर से चुनाव कराने की यहां पे पूरा का पूरा मांग चल रहा है और वकीलों द्वारा कई तरह के यहां पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा यहां पे EVM की धांधली से चुनाव जीता गया है। उसको लेकर यहां पे कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, अशोक गहलोत और जिस तरीके से यहां पे भूपेश बघेल दावे कर रहे हैं कि ये गड़बड़ी की गई है, उसको लेकर यहाँ पे औरंगजेब ने भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि EVM में पूरी तरीके से धांधली की गई है और इसको लेकर के हमने पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का पूरा जोर कर रहे हैं। इसको लेकर अब औरंगजेब की क्या फैसला आती है वो देखने वाली बात है कि फिर से चुनाव कराया जाएगा या उसी पे सरकार बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।